नमस्कार दोस्तों, शर्मा एजुकेशन में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं मनीष शर्मा आज आपके लिए कोशिका का 8वां पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम महत्वपूर्ण कोशिकांगों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग की बायो की सीरीज चल रही है। बायो की सीरीज में कोशिका का टॉपिक चल रहा है, जिसके पिछले 7 पार्ट आ चुके हैं। जिन दोस्तों ने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं वो पिछले पार्ट देख लें, ताकि ये जो आगे के पार्ट हैं ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, आप हमारे चैनल को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये चैनल पहुंच सके और उन लोगों को भी मैं बायोलॉजी का जो कंटेंट है वो दे पाऊँ। बस आपका सहयोग चाहिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को जो वीडियो में लगे, आपको अगर अच्छा लगे या आपको कोई कमी लगे, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मेरे वीडियोस में क्या कमी आ रही है, कैसा कंटेंट आ रहा है, क्या आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, ये आप मुझे ज़रूर बताएं। क्योंकि मुझे बिना कमेंट किए नहीं पता चल पा रहा है कि जो मेरे स्टूडेंट हैं, ये मेरे दोस्त हैं, उन लोगों को क्या मैं वो चीज़ें सही तरीके से दे पा रहा हूँ या कुछ कमियाँ आ रही हैं, तो आप मुझे बताइए, मैं उनमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोबॉडीज। पिछली वीडियो में हमने 3 कोशिकांगों को देखा था, इसमें एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने देखा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 2 प्रकार का होता है, एक रफ़ होता है और एक क्या होता है, एक स्मूथ होता है। जो रफ़ वाला होता है उसमें क्या होते हैं, उसमें राइबोसोम चिपके होते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसके अलावा जो स्मूथ होते हैं उसमें राइबोसोम के कण नहीं होते हैं और वो क्या करते हैं, लिपिड का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, लिपिड का निर्माण करते हैं। इसके अलावा हमने गोल्गी बॉडी देखी थी। गोल्गी बॉडी में हमने देखा था कि जो ये गोल्गी बॉडी होती है, इसकी सबसे पहले खोज का जो श्रेय है वो कैमलो गोल्गी को जाता है। किसको जाता है, कैमलो गोल्गी को जाता है। इसे अन्य नाम की अगर बात करें तो इसे लाइपोकांड्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, लाइपोकांड्रिया। इसके अलावा अगर इसका शरीर, इसका कोशिका के अंदर कार देखें ना, तो ये क्या करता है कि जो गोल्गी बॉडी है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनाए हुए प्रोटीन्स और लिपिड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य करता है। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, इस तरह से ये काम करते हैं। इसके बाद हमने तीसरा कोशिकांग देखा था। क्या देखा था इसमें, तीसरा हमने देखा था लाइसोजोम। लाइसोजोम जिसकी खोज डी दवे ने की थी, ठीक है। तो उसे हमने, इसे कई उपनाम बताए थे, जैसे इसे कोशिका का सफाई कर्मचारी बोलते हैं, और इसके अलावा इसे आत्महत्या की थैली बोलते हैं, इसे डिस्पोजल बैग और एटम बम, इन नामों से क्या होता है, इसे जाना जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, इसके पास में पाचक एंजाइम होता है जो क्या करता है, अनावश्यक पदार्थों को अपने अंदर ले लेता है और वो अपने अंदर क्या कर देता है, पाचन कर देता है। तो इस तरह से हमने 3 कोशिकांगों को कोशिका के अंदर देखे थे। आज हम चौथा अगला कोशिकांग देखेंगे, जिसका नाम है माइक्रोबॉडीज। क्या नाम है दोस्तों, माइक्रोबॉडीज। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये भी माइक्रोबॉडीज भी एक कोशिकांग है, कोशिका के अंदर पाया जाने वाला, ठीक है। अब इसकी हिंदी में आप सूक्ष्म बॉडी तो नहीं लिखेंगे, माइक्रो, हिंदी वाले हिंदी में यही बोलेंगे, माइक्रोबॉडीज, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, यूकेरियोटिक सेल्स में ही ओनली पाया जाएगा। ये कहाँ, प्रोकैरियोटिक कोशिका में बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगला, ये रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी के टूटने पर बनते हैं, ठीक है। क्या, कैसे बनते हैं ये, देखिए जैसे हमने बताया था ना गोल्गी बॉडी के बारे में, तो वो कैसे बताए थे, इसकी संरचना कुछ ऐसे हुआ करती थी, ऐसी थी। तो ये पार्ट इसके कट जाते हैं, ये कट जाते हैं, तो ये जो कट के, ये जो मॉलिक्यूल्स के रूप में अलग हो जाते हैं, ये बनते हैं क्या, माइक्रोबॉडीज के रूप में। कैसे, माइक्रोबॉडी के रूप में। तो ये क्या करते हैं, माइक्रो, इनका निर्माण कहाँ से होता है, रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी, इनसे ही क्या होता है, इनका निर्माण होता है। अगर इनके साइज की बात करें तो वो 0.3 से 1.3 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है,
0.3 से 1.3 माइक्रोमीटर इनका क्या होता है, आकार या साइज होता है। अगर देखें तो ये होते हैं तीन प्रकार के। कैसे होते हैं? ये होते हैं तीन प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पहला ये होता है स्फेरोसोम। स्फेरोसोम तो स्फेरोसोम क्या है? तो देखो इसके जो तीन प्रकार हैं, स्फेरोसोम है, ग्लाइको ऑक्सियोम है, और इसके बाद पर ऑक्सीसोम है। ठीक है, तो स्फेरोसोम इसकी खोज किसने की थी? स्फेरोसोम की खोज की थी पार्नर ने। किसने की थी? पार्नर ने। तो याद रखना इसकी खोजकर्ता का श्रेय पार्नर को जाता है। और याद रखना ये जो आपका माइक्रोबॉडी है ये कहाँ मिलेगा? केवल पादप कोशिका में मिलेगा, यानी कि प्लांट सेल में मिलेगा, बाकी जंतु कोशिका में, एनिमल सेल में इसकी उपस्थिति नहीं होती है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? तो याद रखना इसमें होता है एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या कहता है? एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। जिस प्रकार अभी हमने लाइसोसोम देखा था ना, उसमें एक पाचक एंजाइम था, उसी प्रकार से इसमें भी एक एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, जो क्या करता है, जो एंजाइम पादप कोशिका में पाचन का कार्य करता है। क्या करता है? पाचन का कार्य करता है। तो याद रखना जंतुओं में जो पाचन का कार्य कर रहा था वो कौन कर रहा था? लाइसोसोम कर रहा था, लेकिन इसमें पाचन का कार्य कौन करता है? स्फेरोसोम करता है। कौन करता है? स्फेरोसोम करता है। तो ये पाचन का कार्य करता है, इसलिए इसे पादप कोशिका का लाइसोसोम कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पादप कोशिका का लाइसोसोम बोलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया एग्जाम में कि पादप कोशिका का लाइसोसोम कौन कहलाता है। ये तीनों ऑप्शन में डालता है, उनमें से आपको बताना है कि स्फेरोसोम जो है, स्फेरोसोम ये क्या है? पादप कोशिका का क्या होता है? पाचक होता है। ठीक है, यही से कोशिका का या लाइसोसोम कहते हैं। अगला देखते हैं ग्लाइऑक्सीजोम। क्या है? ग्लाइऑक्सीजोम। तो ग्लाइऑक्सीजोम इसकी खोज बीवर ने की थी। किसने की थी? इसकी खोज बीवर नामक व्यक्ति ने की थी। ठीक है, और यह भी क्या होता है? केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है, ये जंतु कोशिका में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा आपको? केवल पादप कोशिका में मिलता है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? जो बसा होता है ना, यानी फैट होता है ना, उसका ऑक्सीकरण का कार्य करता है। क्या करता है? ऑक्सीकरण का कार्य करता है। जो बसा होता है उसको तोड़ने का काम करता है, और तोड़ करके क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट बनाता है, यानी कि यह जटिल अणुओं को क्या करता है? सरल अणुओं में तोड़ने का क्या करता है? कार्य करता है। कौन कौन करता है? ग्लाइऑक्सीसोम करता है। ठीक है, ग्लाइऑक्सीसोम यह क्या करता है? फैट को सरल अणुओं में तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कैस्टर सीड्स को। क्या होते हैं? कैस्टर सीड्स, यानी अरंडी के जो बीज है उसमें क्या होते हैं? ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें तो पीनट यानी कि मूंगफली। क्या होती है? मूंगफली होती है। तो पीनट, मूंगफली, ये भी इसमें भी क्या होते हैं? ग्लाइऑक्सीजोम होते हैं, जो क्या करते हैं? इसमें फैट को फैट्स का ऑक्सीडेशन करके क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं, यानी सरल अणुओं में उसे तोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखते हैं तीसरा जो प्रकार होता है माइक्रोबॉडीज जो पाया जाता है वो कौन सा है? पर ऑक्सीजोम। क्या है? पर ऑक्सीजोम। इसे क्या बोलते हैं? इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी अगर खोज का श्रेय देखें ना, तो इसकी खोज की थी रोडेन ने। किसने की थी? रोडेन ने की थी। तो याद रखना इनके खोजकर्ताओं के नाम याद रखना। पहला वाला जो है स्फेरोसोम, इसकी खोज पार्नर ने की थी। इसके बाद ग्लाइऑक्सीजोम, इसकी खोज बीवर ने की थी। और तीसरा जो है पर ऑक्सीजोम, इसकी खोज क्या किसने की थी? रोडेन ने की थी। तो रोडेन ने इसकी खोज की थी। और ये याद रखना कि ये जो दो ऊपर के जो माइक्रोबॉडीज हैं ये केवल प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, लेकिन ये जो नीचे का पर ऑक्सीजोम है ना, ये पाया जाता है एनिमल्स और प्लांट दोनों की सेल्स में पाया जाता है। तो याद रखना यही एक ऐसा माइक्रोबॉडीज है जो क्या होता है प्लांट्स ऑफ एनिमल दोनों ही सेलों में क्या होता है? इसकी उपस्थिति होती है। तो याद रखना इसके अगर कार्य की बात करें तो इसके मुख्य रूप से कार्य में देखें तो यह है अमीनो एसिड और यूरिक एसिड। क्या? यह अमीनो एसिड और यूरिक एसिड को क्या करता है? सरल पदार्थों में परिवर्तित करता है। ठीक है, अमीनो एसिड और यूरिक एसिड ये क्या होते हैं? ऑक्सीटोसिन होते हैं, यानी ये विषैले पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में, जिनको क्या करता है? ये सूक्ष्म अणुओं यानी सरल
पदार्थों में तोड़ करके इसे क्या करता है, इसे तोड़ने का कार्य करता है। तो अब ये यूरिक एसिड और अमीनो एसिड, इसका उत्सर्जन तो पादप भी करते हैं और सेल और एनिमल्स भी करते हैं। इसलिए ये पर ऑक्सीजोम क्या होते हैं, दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, चाहे एनिमल्स हो या तो फिर आपका क्या हो, प्लांट हो, दोनों ही सेलों में क्या होते हैं, ये आपके उपस्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देखा माइक्रोबॉडीज। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला कौन सा, अगला कोशिकांग देखते हैं जिसे बोलते हैं प्लास्टिड, यानी कि उसे बोलते हैं लवक। तो चलिए दोस्तों अगले कोशिकांग के बारे में देखते हैं। अगला कोशिकांग है हमारा प्लास्टिड, प्लास्टिड यानी कि लवक। इसे देखते हैं तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि ये जो प्लास्टिड है, इसकी जो उपस्थिति होती है वो कौन सी कोशिका में होती है। तो याद रखना, ये जो प्लास्टिड होता है ये आपको यूकेरियोटिक सेल्स में, लेकिन प्लांट सेल्स में पाया जाएगा। कौन सी, यूकेरियोटिक की प्लांट सेल्स में, यानी पादप कोशिका में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन आता है कि फिर इसकी खोज का श्रेय कैसे दिया जाता है। तो याद रखना, आप जब टैक्सोनॉमी पढ़ रहे थे तब उसमें आपने एक व्यक्ति का नाम, एक वैज्ञानिक का नाम पढ़ा था, वहाँ पर पढ़ा था आपने अर्नेस्ट हेकल जी का नाम। कौन सा पढ़ा था, अर्नेस्ट हेकल का नाम। तो उसमें जब आपने अर्नेस्ट हेकल का नाम पढ़ा था तो उसमें आपने देखा था कि अर्नेस्ट हेकल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। कितना, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। तो उसी व्यक्ति ने क्या किया था, प्लास्टिड की खोज की थी, प्लास्टिड यानी कि लवक की क्या की थी, खोज की थी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये ने कब किया था, तो फिर 1865 यानी कि 1865 में क्या किया था, इसकी खोज की थी। लेकिन याद रखना, जो ये प्लास्टिड शब्द है, वो प्लास्टिड शब्द किसने दिया था, तो याद रखना सिंपलर ने दिया था। किसने दिया था, ये सिंपलर ने दिया था। कब दिया था, 1885 में सबसे पहले सिंपलर ने बोला था इसे प्लास्टिड। ठीक है, इससे पहले याद रखना ये प्लांट सेल्स और युग्लिना, युग्लिना ये वही है जिसे पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक है, ये जंतु होते हुए भी ये पादप के गुण रखता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाता है, इसलिए इसमें पादप के गुण होने के कारण इसे जंतु और पादप के बीच की क्या होती है, कड़ी कहा जाता है। तो याद रखना प्लांट सेल्स और आपका कौन सा है, युग्लिना, इन दोनों में क्या होता है, प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, यानी कि लवक प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लवक को विस्तृत रूप से अध्ययन करें ना, तो इसे हम सबसे पहले तीन रूपों में बांटते हैं। वो तीन रूप कौन से हैं, एक हम बांटेंगे क्लोरोप्लास्ट, दूसरा बांटेंगे क्रोमोप्लास्ट और तीसरा बांटेंगे ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट को बोलते क्या है, हम हरित लवक। क्या बोलते हैं उसे, हम हरित लवक बोलते हैं। तो ये जो हरित लवक होता है, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। मुख्य रूप से पत्तियों में जो देखा होगा आपने, हरे रंग की पत्तियाँ होती हैं, तो वो जो हरा रंग होता है ना, वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। इसके अलावा इसमें एक वर्णक पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है, जिसको बोलते हैं कैरेटोनाइट। क्या बोलते हैं, कैरेटोनाइट। तो कैरेटोनाइट और क्लोरोफिल, ये दो पाए जाते हैं किसमें, हरित लवक में। मुख्य रूप से उसमें क्लोरोफॉस्ट यानी हरित लवक पाया जाता है, ठीक है, क्लोरोफिल। बाकी वर्णक के रूप में इसमें कैरेटोनाइट पाया जाता है, ये उपस्थित होता है। और याद रखना ये पौधे के किस भाग में मिलेंगे आपको, तो याद रखना ये पत्तियों में और तनों में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, ये पौधे की जो पत्ती होती है और जो पौधे के तने वाले भाग होते हैं ना, उसमें क्या होते हैं, ये आपके उपस्थित होते हैं। इसके बाद देखते हैं दूसरे इनका प्रकार, क्रोमेटोप्लास्ट। क्रोमेटोप्लास्ट यानी कि होता है वर्णी लवक। क्या होता है, वर्णी लवक, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसमें कैरोटीन और जिंथोफिल उपस्थित है। जिंथोफिल वर्णक है, जिंथोफिल के कारण ही पुष्पों में क्या होते हैं, कलर होते हैं। तो कैरोटीन और जिंथोफिल, ये जो कलर्ड वर्णक होते हैं, ये कौन से होते हैं, क्रोमेटोप्लास्ट। क्रोमेटोप्लास्ट जहाँ पाए जाएंगे वहाँ कौन होते हैं, कैरोटीन और जिंथोफिल उपस्थित होता है उसमें, ठीक है। तो फिर ये मिलेंगे कहाँ पौधे में, तो याद रखना जो फल होते हैं, जो फूल होते हैं और जो बीज होते हैं, उनमें जो कलर्ड होता है ना, उसमें जो वर्णक होते हैं ना, वो कौन से होते हैं, क्रोमेटोप्लास्ट होते हैं। और इसमें अगर देखें तो जेंथोफिल होता है। कौन होता है, कैरोटीन और जेंथोफिल की उपस्थिति इसमें होती है आपके। तो फल फूल और बीज में क्या होते हैं, ये आपके पाए जाते हैं। इसके अलावा देखें तो ल्यूकोप्लास्ट, तो ल्यूकोप्लास्ट के बारे में देखें, ये होते हैं आवर्णी लवक, यानी कि ऐसे लवक जिसमें कोई वर्णक ही नहीं उपस्थित होते हैं, उसे कहते हैं आवर्णी लवक, या उसे बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो इसमें सीधी सी बात है, इसमें कोई वर्णक नहीं मिलेगा आपको,
क्या होता है, इसमें कोई वर्णक नहीं मिलेगा। और ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, तो याद रखना इनका काम होता है खाद्य पदार्थों का संचय करना। क्या होता है, खाद्य पदार्थों का ये संचय करते हैं, ठीक है। अब याद रखना ये जो अवर्णीय लवक होते हैं इनको अगर हम विस्तृत अध्ययन करें ना तो इन्हें हम तीन भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में, तीन भागों में से हम बांटते हैं। कैसे, एक बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट, क्या बोलते हैं इसे, अमाइलोप्लास्ट, एक होता है इलायोप्लास्ट और एक होता है इलियोरोप्लास्ट। ये तीन रूपों में हम क्या करते हैं, आवरणीय लवक को हम क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। तो जो खाद्य पदार्थों का संचय करते हैं उनको हम तीन रूपों में बांटते हैं। अब ये तीन जो रूप है ना ये अलग अलग चीज़ों का संचय करने का काम करते हैं। जैसे अमाइलोप्लास्ट है, अमाइलोप्लास्ट है ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का संचय करता है। जो भी कार्बोहाइड्रेट होगा इसका काम होगा, जिम्मेदारी होगी कि मुझे कार्बोहाइड्रेट का संग्रह करना है और बाकी इसे किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो ल्यूकोप्लास्ट के ही ये तीन भाग हैं जिसमें से अमाइलोप्लास्ट का काम होता है केवल वो कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, संचय करता है। दूसरा इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट का काम क्या होता है, जितनी भी तेलीय चीज़ें होंगी, जितनी भी तेलीय चीज़ें होंगी या फैट वाली चीज़ें होंगी उन सभी को संग्रह करने का काम कौन कर रहा है, इलायोप्लास्ट करेगा, ठीक है। इलायोप्लास्ट का काम होगा कि इन सभी चीज़ों को क्या करना है, उसे संग्रह करना है। इसके बाद एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट का काम क्या होता है, एल्यूरोप्लास्ट जो होता है ये क्या करता है, प्रोटीन का संग्रह करता है। क्या करता है, प्रोटीन जितना भी होता है उसको संग्रह करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, एल्यूरोप्लास्ट की होती है। किसकी होती है, एल्यूरोप्लास्ट की होती है। तो इस तरह से ये तीनों ल्यूकोप्लास्ट, तीनों वर्णक ल्यूकोप्लास्ट के ये अलग अलग चीज़ों का संग्रह करते हैं, एमेल्योप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट, एलेल्योप्लास्ट तेल और वसा का संग्रह, और एल्यूरोप्लास्ट जो करता है किसका, प्रोटीन का संग्रह करता है। इसके अलावा प्लास्टिड के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, पूछा गया था कि जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ये जो हरित लवक पाया जाता है, ये जो पत्तियां होती हैं उनमें कौन सी कोशिकाओं में मिलेगा, तो याद रखना मीजोफिल की जो कोशिकाएं होती हैं, मीजोफिल कोशिकाओं में उपस्थित होता है कौन सा, क्लोरोप्लास्ट। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद रखना कि ये जो होता है क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में, ये मीजोफिल्स कोशिकाओं में उपस्थित होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर इसकी लंबाई की अगर बात करें, इसकी लंबाई कितनी होती है, तो याद रखना 5 से 10 माइक्रोमीटर होती है। कितनी होती है, 5 से 10 माइक्रोमीटर होती है, ये इसकी लंबाई है। और अगर चौड़ाई की अगर हम इसकी बात करें तो चौड़ाई इसमें 2 से 4 माइक्रोमीटर होती है। कितनी होती है, 2 से 4 माइक्रोमीटर होती है इसकी चौड़ाई। तो याद रखना लंबाई 5 से 10 और चौड़ाई 2 से 4 माइक्रोमीटर होती है। इसके अलावा एक बात याद रखना, ये जो थैलोकॉइड होता है ना, थैलोकॉइड ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें जो ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना, उस क्लोरोप्लास्ट को एक संग्रह जो होता है ना उसकी जो छोटी, सबसे छोटी इकाई होती है ना, उसे हम बोलते हैं थैलोकॉइड। क्या बोलते हैं, थैलोकॉइड। तो ये जो थैलोकॉइड होता है इसे प्लास्टिड की इकाई बोलते हैं। यानी कि अगर उस कोशिका में देखें ना, तो उस कोशिका में जैसे ऐसी ये कोशिका है, इस कोशिका में इनकी संरचना कुछ ऐसी होती है, ऐसी ये व्यवस्थित होते हैं, ऐसे ऐसे ये व्यवस्थित होते हैं ये। तो ये जो ऐसे व्यवस्थित होते हैं ना, इनको हम क्या, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और इसकी जो एक यूनिट है ना, इसे क्या बोलते हैं, थैलोकॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, थैलोकॉइड बोलते हैं, इसे बोलेंगे हम थैलोकॉइड। ठीक है, ये होता है थैलोकॉइड। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो थैलोकॉइड होते हैं ना, ये थैलोकॉइड को प्लास्टिड की इकाई, क्या बोलते हैं इसे, प्लास्टिड यानी कि लवक की इकाई, या तो इसे फोटोसिंथेसिस की यूनिट कहते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहा जाता है। ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो कहाँ होती है, कहाँ होती है, हरित लवक में होती है। और हरित लवक का जो एक पहली यूनिट होती है ना प्रकाश संश्लेषण की, वो क्या होती है, थैलोकॉइड होती है। इसलिए इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे प्रकाश संश्लेषण की इकाई, इसे प्रकाश संश्लेषण की इकाई, या इसे लवक की इकाई, क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की या लवक की इकाई बोल सकते हैं। कैसे बोलते हैं हम, थैलोकॉइड को बोलते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा प्लास्टिड कोशिका का कोशिकांग, जैसे आपने देखा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक वीडियो और आएगा आपका, और कोशिका आप कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। एक लास्ट और आएगा आपका वीडियो, इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो दोस्तों एक वीडियो और आएगा जिसमें हम बैक्यूल्स पढ़ने वाले हैं, बैक्यूल्स और सेंट्रोसोम,
ठीक है, दो कोशिकांग और बचे हैं, और फिर इसके बाद थोड़ा सा शॉर्ट रूप में हम जंतु और पादप कोशिका में अंदर देखेंगे कि आखिर इनमें मुख्य रूप से अंदर क्या होता है, यानी कि एक और वीडियो आएगा। इसके बाद ये कोशिका का टॉपिक आप लोगों का पूरी तरह से फिनिश हो गया। अब ये जो आपने कोशिका पढ़ी है ना, अब इस कोशिका से आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हमने वो एक हर एक लेवल लिया है उसमें जो आपको चाहिए होता है, जैसे कि पुलिस कांस्टेबल, रेलवे, इन सब चीज़ों, MPPSC, इन सब चीज़ों के हिसाब से इसको कोशिका का जो सिलेबस तैयार किया था वो आपको पूरा हमने करा दिया है। सिर्फ एक वीडियो से आना अभी बाकी है। तो दोस्तों, हमारी ये जो वायु की सीरीज चल रही है, अगर आप लोगों को पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे दोस्तों तक भी अपने पहुँचाएँ, और इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये हमारी सीरीज कैसी लग रही है। जिन दोस्तों ने पीछे के मेरे वीडियोज़ नहीं देखे हैं, उन पीछे के जाके वीडियोज़ को देखें, ताकि जो आने वाले आगे के जो वीडियोज़ हैं वो उन्हें अच्छी तरीके से समझ में आ सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखिए। तो आप लोग अपना जो कीमती टाइम है वो अपनी पढ़ाई पे देते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अपना ध्यान रखिए।